आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि आपको आटा लेने के लिए जिस तरह अविश्वासी ग्रोसरी स्टोर में जाता है, किराने में जाता है, वैसे ही आप जाते हैं। जैसे ही वो खाता है वैसे ही आप खाते हैं, जैसे ही वो चलता है जिस ऑटो में वो, कार में वो, उसी में आप है। अभी आपको समझ नहीं आ रही कि फर्क क्या है। अभी आत्मिक फर्क है, आपको मालूम है कि आपके अंदर शांति है, आपको मालूम है कि आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको मालूम है परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है, आपको मालूम है शैतान आपको छोड़ के जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये अंधेरा बढ़ रहा है, ये रोशनी जो अंधेरे में, जो उजाले में कम चमक रही आपको लग रही है, ये अंधेरे में इतनी चमकेगी कि बाइबल का वचन पूरा होगा कि तुम जगत की रोशनी हो, तुम जगत का चानन हो। तुम मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जैसे जैसे ये माहौल बिगड़ता जाएगा, फाइनेंशियली लोगों का माहौल बिगड़ेगा, जो श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, अब ये मत समझो कि दूसरे देशों में नहीं होगा। उनकी शुरुआत हुई है, वो पहले हैं, दैट्स इट। ये मत सोचो बाकी देशों का नंबर नहीं आएगा, आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। पूरी देश, पूरी दुनिया का जो फूड होगा, जो खाना होगा, वो चंद कंपनियों के पास होगा। तब तक ऐसे माहौल बनाए जाएंगे कि किराने की शॉप्स बंद हो जाएं, सिर्फ बड़े बड़े स्टोर खुलेंगे।